आठ लोग आए हैं ना आप लोग, पूरी भीड़ लगी हुई है। ओके, मतलब कि आपको मंदिर बन रहा है कोई आपत्ति है तो वही दिन आपने पूछा क्या है कहाँ पे मंदिर बन रहा है? वो आंटी बोल रही थी कि आप कौन आंटी ने भेजा आपको? नाम नहीं मालूम, वो नीचे। अरे जिस आंटी को नाम नहीं पता आप उसके बोलने पे कैसे आ जाएंगे? आंटी आपके पहचान की तो होगी। आंटी ने बोला कि वहाँ पे अपना जगह दिखाई, यहाँ पे स्वीकार। कौन आई थी आपके पास में? आप नाम बताइए वो आंटी का। सत्यभामा चौहान जी। सत्यभामा चौहान जी ने आपको बोला? ठीक है भैया, क्या बोला आपको और कहाँ आई थी वो आपसे? गेट के पास आई। आप लोग मंदिर बनवाने से? नहीं नहीं, आप ये बताइए ना, आपको आपत्ति ना मंदिर बनवाने? हाँ बिल्कुल आपत्ति है। ठीक है, बस कोई है ना, हाउसिंग बोर्ड की जमीन पे कोई इलीगल तरीके से कब्जा करके कैसे मंदिर बना सकते हैं? पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं। पर्सनल प्रॉपर्टी हाउसिंग बोर्ड की जमीन है, यहाँ पे मैंने फ्लैट खरीदा हुआ है। तो दीदी वही चीज पूछ रहे हैं कि उसमें जैसे वो लोग आंटी लोग जो बनवा रहे हैं उसमें आपको क्या आपत्ति है? क्योंकि आंटी अपने घर की जमीन पे नहीं बना रही है, हाउसिंग बोर्ड की जमीन पे बना रही है। ऐसे तो कॉलोनी का हर आदमी यहाँ पे अलग अलग जगह पे मंदिर बनाने लग जाएगा। ठीक है दीदी, आपको पता है कॉलोनी का कोई अनुशासन होता है? एक मिनट, तो मीटिंग होती है। तो दीदी वो आंटी बोल रही थी कि कम से कम हम लोग कॉलोनी पूरा उनका साथ दे रहे हैं। आप बुलाइए आधी कॉलोनी को, आपने पूछा आधी कॉलोनी को, आप मेरे घर पहुँच गए इस तरीके से। दीदी हम तो अभी भी घर के बाहर खड़े हैं। अरे भैया दरवाजा खटखटाओगे, कोई दरवाजा खोलेगा एक साथ दस लोगों को देखेगा तो क्या बोलेगा बताइए? चार लोग हैं। नहीं आप किसी के भी घर पहुंच जाते हैं मंदिर के लिए? कोई ऐसे कोई घर चोरी चमारी नहीं, नहीं, नहीं आपको किसने अधिकार दिया? ऐसा नहीं कि स्पेशल नीचे तीन चार लोग से पूछे हैं। कैसे पहुंचेंगे आप इस ब्लॉक के अंदर? पता है अननोन आदमी को पहुंचना वो है वहाँ पे, वो क्या बोलते हैं गार्ड की ड्यूटी इसलिए लगाई है, सीसीटीवी लगाया है। अरे सीसीटीवी तो कैसे किसी के घर पहुँच जाएंगे आप लोग? नहीं नहीं मेरे भाई, तुम्हें अथॉरिटी किसने दी है? किसने दी है किसी की भी कॉलोनी में जाके ये बताने की यहाँ पे मंदिर बनेगा नहीं बनेगा? देखो दीदी हमको आंटी ने फोन लगाया कि भैया ऐसा ऐसा मुद्दा है। हाँ, तो उन्होंने ये बोला कि वो आंटी को दिक्कत है, मतलब आपको दिक्कत है। आंटी का नाम बोलते जाइए आप। जय श्री राम। सत्यभामा चौहान। सत्यभामा चौहान ठीक है। तो ये बजरंग दल के लोग मेरे घर में अचानक से इन्होंने दरवाजा खटखटाया, मैंने खोला तो करीबन आठ लोग बाहर खड़े थे, नीचे और भी भीड़ खड़ी है। हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर इलीगल तरीके से जो है वो मंदिर बनाया जा रहा है और उसका मैंने विरोध किया। मैंने ही नहीं बल्कि कॉलोनी के कई लोगों ने विरोध किया और यहाँ पे उन्होंने सत्यभामा चौहान जो है उन्होंने बजरंग दल को फ़ोन किया और वो सीधे घर पहुँच गए। ऐसे समय में जब कॉलोनी में गार्ड है, गार्ड के लिए पैसे दिए जाते हैं, साहू सर को दिए जाते हैं जो खुद भी मंदिर बनाने के पक्ष में है, ये इस तरह से पहुँच गया। आप सोचिए कि क्या थ्रेट